सांसद साक्षी महाराज जो है वो पहुंचे थे उन्नाव में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन सांसद साक्षी महाराज को यहां विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सांसद जो हैं वो पहुंचे थे मिलने के लिए साक्षी महाराज पीड़ित परिवार से, साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। जिस तरह से न सिर्फ यूपी में गुस्सा देखने को मिल रहा है, पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। खासकर साक्षी महाराज पर लोगों का गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि ये वही साक्षी महाराज हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर से हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए साक्षी महाराज पहुंचे थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध दर्ज कराया, पुलिस से आमना सामना भी हुआ, झड़प भी हुई। हमने तस्वीरें भी सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्नाव में विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता यूपी में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और पुलिस जो है वो लाठियां बरसा रही है। कई तस्वीरों में तो नजर आया है पुलिस की लाठियां टूट चुकी। तो ये लाठियां, सवाल उठता है कि पुलिस गुंडों पर, बदमाशों पर, दरिंदों पर क्यों नहीं चलाती? जब विरोध किया जा रहा है तो उस विरोध को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। साक्षी महाराज और उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तस्वीरों में देखिए ये गुस्सा, ये जनसैलाब। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, विरोध दर्ज करा रहे थे, और ये विरोध था सांसद का, केशव, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्हें रोका जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे मौजूद वहां पर, और पुलिस के साथ भी झड़प देखने को मिली। देखिए किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी की है और गाड़ी को वहां से, भीड़ से निकालते हुए नजर आ रहे। पूरे घेराबंदी में सांसद की गाड़ी जो है भीड़ के बीच से निकलती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ आप जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और वहां पर घड़ियाली आंसू बहाएंगे, और क्या कुछ कहते हैं साक्षी महाराज, ये पहले आपको मैं सुनाती हूँ कि साक्षी महाराज ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए हम लोग आए हैं, और इस पीड़िता के साथ मार्च में जब से घटना घटी तब से मैं, मेरी पार्टी पूरी ताकत से इनके साथ खड़ी हुई है, और आपके सारे मीडिया वाले चैनलों पर पार्लियामेंट में होते हुए यहाँ की स्थिति के बारे में अपना स्टेटमेंट देता रहा हूँ। आज हम सब लोग मुख्यमंत्री के आदेश से यहाँ पर आए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ तो होगी जो 5 अरेस्ट किए गए हैं। अगर कोई और भी बदतमीजी करने का प्रयास होगा, हम लोग उन्हें सामूहिक रूप से मंत्री जी ने और हमने डीएम एसपी को निर्देशित किया है, उसे भी अरेस्ट किया जाए, उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए।